नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे डीवी ओमेन वर्सेस डीडी ओमेन, दिगारू वीरांगना ओमेन वर्सेस धानसिरी डैशेस ओमेन के बीच जो दोस्तों होगा आज का दिन का ना पहला मैच ACC ओमेन T20 चैलेंजर्स का। वीडियो में आपको दोनों ही टीम के बारे में कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा। एक यहाँ पे और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ना दोस्तों ऑलरेडी मलेशिया ओमेन वर्सेस क्वैत ओमेन का वीडियो लाइव करके रखा और इसी के साथ नेपाल ओमेन वर्सेस हांगकांग ओमेन का मैचेस के भी एक्सक्लूसिव कवरेज आपको इसी चैनल में मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अगर चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो चैनल में, तो फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब और अगले मैचेस और पिछले मैचेस के अपडेट डेमो टीम के लिए जुड़ सकते हो टेलीग्राम, जिसका लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। आते अभी इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में। दोस्तों, अमीगांव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी में होगा। 100 रन यहाँ पे एवरेज बनते हैं। 9:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम। टूर्नामेंट में 7 मैचेस जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था खत्म हो चुका था। 2 बार बैट फर्स्ट, 5 बार चेजिंग ने विन किया। डीवी ओमेन से अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इनसे ओपन कराएंगे कौन, रश्मि सिन्हा, मैं नहीं लूँगा, अब तक इन्होंने कुछ खास खेला नहीं है। हीरामुनि साइकिया ले सकते हैं, 3 रीज़न मैं बता रहा हूँ। 1 स्टेट की प्लेयर है, 2 रीज़न है दोस्तों ये आपको वीकी भी करते हुए दिखेंगी, और 3 रीज़न है कि इनका लास्ट मैच के नॉक के बाद सब रखेगा, तो मैं इनको अपनी टीम में रख लूँगा। प्रियंका बरुआ अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग में आप हो सके तो इनको ट्राई कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस, बट अभी के लिए मैं हीरामुनि साइकिया के साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुस्कान मलिक ने 1 22 और 1 28 का नॉक खेला, डिसेंट दो नॉक खेला, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट फिलहाल मेरा टीम का ग्रैंड लीग पिक रहेगा, स्मॉल लीग पिक नहीं रहेंगे, और बैट फर्स्ट वाला पिक होगा, बैट सेकंड ड्रॉप आराम से। हेमलता पायेंग इस टीम का सेफेस्ट प्लेयर, जो आपके लिए बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन पिक रहेंगे, अब तक कंटिन्यूअसली बैट या फिर बॉल से पॉइंट्स दे रहे हैं। दोस्तों, लास्ट सीजन अच्छा नहीं था, करंट सीजन में अच्छा क्रिकेट खेला है, मस्ट बी प्लेयर। शांति राय इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है जिसको आपकी टीम में रखना चाहिए। वेदश्री बोरपट्टाघोन 1 से 2 ओवर डालते, 2 से 3 ओवर डालते, जहाँ पे विकेट भी निकाल सकते हैं, थोड़े लोअर ऑर्डर में हिटिंग, तो सेफ ऑप्शन है, रखेंगे। मोम्पिया का लास्ट मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। काकली साइकिया ने 2 ओवर में विकेट लेस थे। गुड्डी दे ने 1 ओवर में बहुत पिटाई हुआ, तो इग्नोर करेंगे, बट इनमें से काकुली साइकिया सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और उसके बाद अगर टीम ने बॉलिंग फर्स्ट किया, आपको लग रहा है अगर टीम एक बॉलर कम के साथ खेल रहा है तो मोम्पिया को लो, अदरवाइज ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक होंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग के लिए दोस्तों इग्नोरेबल पिक। बेंच में कुछ ये प्लेयर्स बैठे हुए हैं, इनमें से ओवर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ जाएंगे कौन से प्लेयर पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, कौन से प्लेयर इस मैच में डेथ में बॉलिंग करा सकते हैं। देखो, लास्ट मैच में अगर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो दोस्तों, तो इस टीम से मोम्पिया ने पहला ओवर डाला था, फिर 7वां ओवर डाला इन्होंने, शांति राय ने 2 दूसरा ओवर डाला, 4वां ओवर डाला, और ये इस टीम का मेन प्लेयर में से एक रहेंगे दोस्तों। बेतुश्री बोरपट्टाघोन 3 मैच 3 ओवर डाले थे और 5वां ओवर डाले थे दोस्तों। हेमलता 6 8 10 14 दोस्तों ये इस टीम का मेन प्लेयर है, जो इंटरनेशनल प्लेयर भी है, ठीक है, इंटरनेशनली स्टेट प्लेयर। काकुली साइकिया 8वां और 10वां और गुड्डी दे दोस्तों 13वां। इस टीम से अगर देखोगे तो डेथ में कौन आ सकते हैं, शांति राय आ सकता है दोस्तों, हेमलता पायेंग आ सकते हैं, काकुली साइकिया, ये तीनों इस टीम का मेन सीनियर बॉलर है, इनके बीच ही डेथ ओवर्स में ओवर्स डिस्ट्रीब्यूट होने के हाई पॉसिबिलिटीज होते हैं। ओवर कट डन हुआ था उसके आगे वाला मैच में बॉलिंग किया था, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया था, वो है प्रियंका बरुआ। प्लेयर स्टैट्स इस सीरीज से पहले के रिकॉर्ड है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स रिव्यू कर सकते हो। कोई भी प्लेयर ऐड होता है तो सबसे पहले इन प्लेयर्स के पास रिकॉर्ड जानना समझना आपके लिए जरूरी है। हीरामुनि साइकिया एक स्टेट की प्लेयर है, अभी के लिए दोस्तों सेफ ऑप्शन बनती है, लास्ट सीजन भी ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं था, करंट सीजन भी 1 ही मैच में अच्छा खेला, बाकी तो कुछ खास खेला नहीं। मुस्कान मलिक डोमेस्टिक ओवरऑल में 14 का एवरेज है, तो फिलहाल मैं इग्नोर ही करूँगा, बट ये अभी तो रन बना रहे, तो बैट फर्स्ट किसी बैटर के जगह रिस्क लेना है तो ले सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस। प्रियंका बरुआ 26 का एवरेज है डोमेस्टिक ओवरऑल, स्टेट की प्लेयर है, लास्ट ईयर भी अच्छा था, वेरी सरप्राइजिंगली करंट सीरीज में अब तक ये फ्लॉप है, बट आपको अगर डिफरेंशियल जाना है तो जा सकते हो दोस्तों, नॉट अ बैड चॉइस, ठीक है। यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स मिलेंगे, हेमलता पायेंग स्टेट की प्लेयर है और इस साल बहुत अच्छा जा रहा है, लास्ट ईयर दोस्तों बहुत बुरा था, आई थिंक 5 मैच में 2 विकेट था या 3 विकेट, अभी अच्छा जा रहा है तो चलो टीम में रख लेंगे। मोम्पिया दास में भी बॉल फर्स्ट ठीक ठाक चॉइस है, बॉल सेकंड बिंदास ड्रॉप। बेदुश्री बोरपट्टाघोन को टीम में रखना जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोअर ऑर्डर में हिटिंग प्लस ये बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे। काकुली साइकिया 15 मैच में 15 विकेट डोमेस्टिक ओवरऑल में, लास्ट ईयर इनका बहुत अच्छा था, अब तक कुछ खास किया नहीं है, बट एक सेफ ऑप्शन है, स्पेशली इफ दे गोना बॉल फर्स्ट, डेथ में आ सकते हैं। शांति राय बाय डिफॉल्ट पिक और डेथ में कराएंगे दोस्तों ये जरूर, शांति राय एक इंपॉर्टेंट सीनियर बॉलर है इस टीम का, जो स्टेट में भी रिप्रेजेंट करती है। डिम्पी भुयान खेलता है तो डिफेंशियल प्लेयर, और ये अगर खेल लेते दोस्तों तो मोम्पिया का दोस्तों ओवर कट होने का सुनिश्चित हो जाएगा। कनकलता बोरुआ ओमेन्स 2023 टूर्नामेंट में अगर देखोगे इस टीम से सबसे इंपॉर्टेंट बैटर्स थे प्रियंका बोरुआ,
टीम अलग अलग टीम से खेले थे दोस्तों। इस टीम में जितने भी प्लेयर्स खेले ना उनके उनमें बीच सबसे ज़्यादा रन बनाया था प्रियंका बोरुआ, 4 मैच में 131, हीरामणि साई का 5 मैच में 184। बॉलर में से डिम्पी भुवन 4 में 9, वेदुश्री 4 में 8, पोम्पिया का 5 में 6, हेमलता का 4 में 5 विकेट। डीडी के प्लेयर्स अगर देखोगे इन्होंने दो का दोनों मैच हारा है, ठीक है। रुईना पी को 1 मैच में 36 बनाया, सब इनको जब लिया अगले मैच में ये फ्लॉप हुआ था, तो ये एक हाई पॉसिबिलिटीज होते हैं रिस्क फैक्टर का, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कुबेरा पे खेलना। वहाँ पे अभी तो दोस्तों लूडो भी ऐड हो चुका है ना कुबेरा पे, तो एक बढ़िया ऐप है, बहुत ही स्मूथ ऐप है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट आपको सपोर्ट सही में देता है, प्रोवाइड करता है। और डो मोड जैसे मोड्स है जहाँ पे अगर आप टीम लगा के खेल सो जाते हो दोस्तों डो में, तो उसके बाद अगर आपका प्लेयर नहीं खेल रहा है वो मैच, तो आपका रिफंड हो जाएगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कुबेरा डो में खेलना। कुबेरा का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं टॉप में पिन करके रख दूंगा। लूडो ऐड हो चुका है, फ्लैश लूडो मिलेगा, अलग अलग तरीके के लूडो मिलेंगे, तो डोंट वेस्ट योर मनी और टाइम एंड ट्राई कुबेरा मस्ट है मेरे हिसाब से आपके लिए। और यहाँ पे देखोगे रुहिना पी को कभी ऑन कभी ऑफ, तीपत गिरी भी कुछ खास किया नहीं है। महीना नारा ने विकी करना है, +25 रन बनाया, तो ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स में ट्राई कर सकते हो, स्पेशली फील्ड फर्स्ट में भी फील्डिंग से 16-24 पॉइंट अगर दे दिया आपको, तो उसके बाद बैटिंग से कुछ पॉइंट्स देंगे तो सही बात होगा। जिंती बुनी कलिटा टीम में मस्ट पिक है और सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है, टीम में रखना तो जरूरी है, कैप से भी चाहो तो बना सकते हो। पपरी गोगोई आपके लिए इस टीम से सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर मैं मानता हूँ, जिंती बुनी ऑलराउंडर, पपरी गोगोई थोड़ा सा बॉलिंग ऑलराउंडर है, अच्छे प्लेयर है दोस्तों, पपरी गोगोई टीम में रखना जरूरी है। पहाड़ी साई का दोनों मैच में 1 ओवर और 3 ओवर डाला, उतना खास खेला नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको, देखो 1 ही ओवर डाला 1 विकेट निकाले, ये अगले मैच में शायद एक ओवर में कितना बॉलर 1 विकेट निकाल सकता है, बहुत लेस चांस है, बट अगर देखोगे सिलेक्शन हाई है, सेफ ऑप्शन है, रख सकते हो। निवेदिता बोरुआ सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम से, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे दोस्तों, जरूर से मस्ट पिक प्लेयर होना चाहिए स्टेट की प्लेयर। पल्लव कुमार 1 मैच में 2 ओवर और 1 मैच में 4 ओवर डिफेंशियल, रीमा पेगू ने लास्ट मैच में 2 ही ओवर डाला, प्लेयर अच्छा है, ग्रैंड लीग पे ट्राई करना। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन 1, 3 और 15 ओवर डाला था जिंती मुनी कलिटा ने, और दोस्तों उसके बाद पपरी गोगोई ने 2, 4, 14, रीमा पेगू ने 5 और 7, निवेदिता बोरा 6, 8, 10, 12, पल्लक 9 में 11, पहाड़ी साई का 13। इस टीम से डेथ में कौन बॉलिंग कराएंगे, पावर प्ले तो आपको समझ में आ रहा है ना, पहला ओवर जिंती मुनी, पपरी गोगोई और रीमा पेगू आपको पावर प्ले में करते हुए दिखेंगी, डेथ ओवर में आपको इस टीम से करते हुए दिखेंगे जिंती मुनी कलिटा, पपरी गोगोई एंड निवेदिता बोरुआ, ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, सीनियर बॉलर है तीनों प्लेयर, टीम में रखना जरूरी है। यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स मिलेंगे जिनके बारे में दोस्तों आप आफ्टर टॉस अगर खेलता है तो सोच सकते हो, इनमें से आराधना, सरला सिन्हा, सुमन भूमिज, मुझे उतने खास पिक्स ये कोई लगे नहीं। मजीदा बेगम अच्छी ऑप्शन है, बस देखोगे लास्ट मैच में 1 भी ओवर नहीं मिला मजीदा बेगम को, और उससे पहले मजीदा बेगम ने शायद 1 आधा ओवर डाले थे, यस 1 ओवर डाला था, तो सरप्राइजिंगली इसका ओवर कट हो रहा है, बट इसने 39 मैच में डोमेस्टिक ओवरऑल में 120 विकेट निकाला, नॉट अ बैड चॉइस, लास्ट ईयर भी बॉलिंग कर रहे थे, करंट सीजन में कंप्लीट इग्नोर। पापरी गोगो इस टीम से इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। रुहिना पेगो स्टेट की प्लेयर है बट एज अ बैटर प्ले करती है, जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट मुझे लगता है। कुछ और प्लेयर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जिंती मुनी कलिटा, निवेदिता बोरुआ जैसे प्लेयर्स जो आपके लिए मस्ट पिक है। रीमा पेगू 33 मैच 37 विकेट डोमेस्टिक में रीमा पेगू ने लीडिंग विकेट टेकर थे इस टीम के, जितने भी प्लेयर खेल रहे उनमें से कनक लता बोरुआ वुमेंस में, मजीदा ने 4 में 11 निकाला था, मजीदा को बॉलिंग नहीं मिल रहा है, रीमा को विकेट नहीं मिल रहा है, जिंती मुनी ने 4 में 215, मजीदा ने 4 में 89 डोमेस्टिक में रन बना के आ रहे हैं। दोस्तों ये फिलहाल रहेगा इस मैच का कवरेज, हम लोग चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में। दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे टीम क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे हीरामणि साई का मस्ट पिक है। मैना नारा आफ्टर टॉस या फिर थोड़ा सा रिस्क लेके, अगर फील्डिंग फर्स्ट हुआ तो ठीक ठाक है, फील्डिंग सेकंड हो रहा है तो और भी ड्रॉपेबल है। रीमा पेगू अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, रीमा ही नाम है, नहीं रुहिना होगा शायद, रुहिना पेगू, मुस्कान मलिक उतने भी मुझे खास लगे, पहाड़ी साइकिया, प्रियंका बोरू अच्छी डिफेंशियल पिक है, फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। पहाड़ी साइकिया अगर देखोगे तो दोनों मैच में 1 विकेट निकाला, बट इनके ना ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये एक इशू होता है। हेमलता पायेंग आपके लिए मस्ट पिक है, पी गोगोई आपके लिए मस्ट पिक है, निवेदिता बोरू आपके लिए मस्ट पिक है, बोरपोटा गोहान ये भी डिफेंशियल है, फिलहाल मैं मस्ट हिसाब से रख रहा हूँ। एस राय आपके लिए है दोस्तों, आपके लिए है काकुली साई क्या, हमने जिंदी मुनी कालीटा, ये कुछ हो गया मस्ट पिक प्लेयर। अब डिफेंशियल प्लेयर लेने का टाइम, जहाँ पे दोस्तों रुहिना पेगू बॉल फर्स्ट अच्छी डिफेंशियल प्लेयर है, यहाँ से दोस्तों एम दास बॉल फर्स्ट अच्छी प्लेयर है डिफेंशियल, अभी के लिए मैं दोस्तों रुहिना को ले रहा हूँ, रीमा डिफेंशियल है, मुस्कान मलिक मुझे उतना खास लगा नहीं, तो प्रियंका साई का जो बॉलिंग करा सकते हैं, पी बोरुआ मैं फिर से एक बार ट्रस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये मैंने रिस्क फिर से लिया,
मुस्कान के साथ जनता जा रहा है, मैं पी बोरुआ को लिया फिलहाल के लिए, और मैंने कैप्टन बनाना है हिमलता पायेंग को, पपरी गोई हमारे वीसी है। दोस्तों ये रहेगा मेरा फिलहाल इस मैच का कवरेज, और इस मैच का शायद मैं आपको अपडेट ना दे पाऊँ क्योंकि मुझे 7 बजे एक मैच का अपडेट देना है, मुझे देना है फिर से 11 बजे के करीब जो सेकंड मैच होगा क्वाड्रेंगुलर T20 वुमेंस का। तो ये दोनों मैच का वीडियो अपडेट एंड डेमो टीम सब कुछ मिलेंगे आपको इस चैनल में। और फिलहाल मैं दोस्तों ये जो वुमेंस वाला सीरीज चल रहा है और इसी के साथ ECS के मैचेस के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा आपको, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड जुड़ना है टेलीग्राम, क्योंकि जो अगले मैचेस होंगे एसोसिएशन कंट्रीज के इंटरनेशनल मैचेस होंगे उनके कवरेज आपको केवल और केवल हम लोग प्रोवाइड करेंगे द 100 वुमेंस के भी कवरेजेस कहाँ पे टेलीग्राम पे, तो जुड़ना है टेलीग्राम, इसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में, जुड़ जाना। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं मैच टाइम।